सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन मेरा हिंदुस्तान इस वक्त कोरोना महामारी से गुजर रहा है। नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां बीते 5 महीनों से किसानों ने इस जगह को घेर रखा है। किसानों ने बीते 5 महीनों से दिल्ली को बंधक बना रखा है। आपको बता दूं, ये तथाकथित किसान आंदोलन, जो कि अब नेताओं का आंदोलन ज़्यादा लगता है, उसने पूरी दिल्ली को बांध के रख दिया है। ऐसे में जब इस वक्त कोरोना महामारी अपने चरम पर है, शमशान घाट पटे पड़े हैं, अस्पतालों में कतार है, ना जिंदगी को सुकून है ना मौत को आराम है, तब ऐसे में इस लेवल की लापरवाही हमको चिंता में डाल देती है। इस वक्त जो किसान है वो अपनी हट पर अभी भी बने हुए हैं और यहाँ पर एक खुद का जो शहर है उसको बसा रखा है। लेकिन ऐसे में डर तब लगता है जब ये मालूम चलता है कि यहाँ पर किसी भी पल कोरोना विस्फोट हो सकता है, और उस कोरोना विस्फोट के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जान पर आफत आ सकती है। लेकिन कुछ भी समझने से ये लोग इनकार कर रहे हैं। ऐसे में ये देखिए, पीछे यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ियों में रैलियाँ भी निकाली जाती हैं, जहाँ पर ये लोग अपनी बात रखते तो ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, जिनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देश में जिस तरह से महामारी जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, उस वक्त आंदोलन को जारी रखना आप कितना सही समझते हैं? आंदोलन तो पहले से ही चल रहा था, ये बीमारी तो अब आ रही है और इसका बचाव कर रहे हैं किसान। हर तरह की चौकसी बरती जा रही है, खाना भी जो है उसके पालन के अनुसार एक एक मीटर की दूरी करके खिलवा रहे हैं सबको, और पूरा एहतियात बरती जा रही है। अब ये महामारी है, ये तो किसी के हाथ की बात तो है नहीं, लेकिन किसान जो है जिसका धरना पहले से चल रहा हो वो कैसे बीच में छोड़ के चला जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पूरे धरने में कहीं भी पता कर लो, किसी का कोई परेशानी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, ये बताइएगा, जिस तरीके से शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी कोरोना महामारी बढ़ी थी और ऐसे में शाहीन बाग को खाली करा लिया गया था, आपको लगता है कि सरकार जो है इस आंदोलन को भी इस हवाले से खाली करवा दी? सरकार इस तरीके का षड्यंत्र करने की सोचती हो तो, पर किसान ऐसा तो नहीं खाली करेगा, ना इसको NRC जैसा आंदोलन मान्य देगा, क्योंकि ये तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला आंदोलन है किसानों का। और किसान पहले से यहाँ पर जो आए हुए हैं, अगर सरकार चाहती है सड़क, किसान सड़क खाली करें, तो किसानों की मांग सरकार मानना है, और किसान हंसता खेलता अपने घर जाए। ठीक है, देखिए कोरोना जो है वो दरअसल फ़र्क नहीं कर पाता कि आंदोलन चल रहा है या फिर क्या है, कोरोना जो फ़र्क नहीं कर पाता कि ये किसान भाई हैं या और कोई है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ पर कोरोना फैलना शुरू होता है तो वो कितना ज़्यादा लोगों को, कितनी ज़्यादा संख्या में संक्रमित कर सकता है? कोरोना ये तो सही है कि महामारी है, कोरोना वहां क्यों नहीं करते, ये जो है बंगाल में जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, यहाँ किसान। अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपको नुकसान है, आरोप से क्या होगा? आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये सत्ता है। जब बड़ी बड़ी 2-2 लाख की ये भीड़ कर सकते हैं कोरोना, वहां कहाँ कोरोना है, यहाँ कोरोना है। जहाँ किसान बैठा है उसका पालन कर रहा है, उसके नियमों का पालन कर रहा है, और ये किसान को डरा के, कोरोना से डरा के यहाँ से उठ खाली कराना चाहे तो ये असंभव बात है। देखिए सरकार की रैलियों को लेकर उनकी चौतरफा जो है आलोचना हो रही है, तमाम जो और भी पार्टियां हैं वो भी इस तरह की रैलियां कर रही हैं और उनकी चौतरफा आलोचना की जा रही है, लेकिन ऐसे में आप ये समझते हैं कि ये कितना खतरनाक है? दिल्ली, गाजियाबाद, तमाम जगहों पर लगातार कोरोना के केसेस मिल रहे हैं और लगातार मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी गिरता जा रहा है और कई लोगों की मौत भी हो रही है, तो इसको समझते हैं आप कितना खतरनाक है ये? सरकार जो है क्यों नहीं व्यवस्था करती, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, कौन करेगा ये इसकी व्यवस्था? जान के सरकार मारना चाहती है गरीब जनता को। आज गरीब जनता जो है दिल्ली में लॉकडाउन लगा, सड़कों पर देखो क्या हाल है, कैसे लोग घरों को भाग रहे हैं, जान के क्यों नहीं व्यवस्था कर रही सरकार, कहाँ? ठीक है, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो ऐसे में क्या किसान भाई वापस जाएंगे? क्योंकि लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर तो खाली करना पड़ सकता है। यही रहेंगे, चाहे किसान यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे ना। जी बताइए कि किसान गांव में जाए, वहां भी लोग वहां भी तो रहते हैं, और वहां गांव में यहां से भी ज़्यादा भीड़ है।
ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग एक साथ संगठित होकर रह रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना फैलने का खतरा है? कहीं भी नहीं रह रहे, आप देखेंगे कि दूरी बना के आदमी रह रहा है, मास्क का प्रयोग कर रहा है, सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की हैं उन्हें फॉलो कर रहा है, फिर कहाँ है? जैसे गांव वैसे यहाँ, ये भी हमारा एक गांव ही तो है, गांव में जाएंगे वहाँ भी इतनी भीड़ है, और गांव में बल्कि जो यहाँ हम लोग जितनी एहतियात बरत रहे हैं गांव में नहीं बरत सकते। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा केस मिला है कोरोना संबंधित कोई भी केस यहाँ पर? 4.5 महीनों के उसमें, किस 5 महीने होने को जा रहे हैं, किसी भी बॉर्डर पे एक कोरोना का केस बता दे सरकार किसान के। अगर मिलता है तो क्या तैयारियां हैं आपकी? हमारी तैयारियां हैं, हम उसका इलाज है उसके, हमने जो है यहाँ अस्पताल नज़दीक पड़ता है मैक्स अस्पताल जी, कह रखा है कि बेड खाली रखिए, हमारा कोई किसान दिक्कत में आएगा तो उसे हम भेजेंगे। अगर सरकार बीमारी से डरती है तो यही डॉक्टर भेज कर इनके टीके क्यों नहीं लगवाते सभी को? एक दिन डॉक्टर भेज दे जो भी है, सभी के टीके लगवा दे। सरकार तो आपकी कोई बात मान ही नहीं रही है, उस पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब सरकार आपकी बात ही नहीं मान रही है तो वो टीके क्यों लगवाएगी? लेकिन आप लोग आपस में जो है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, तो ऐसे में ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि संक्रमण ना फैले इसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारी? इस देश का अन्नदाता है किसान, हर आदमी को अन्न पैदा करके उसके भोजन का इंतजाम करता है, इस देश को किसान चला रहा है। जब कोरोना लॉकडाउन लगाया था, देश किसने बचाया? किसान ने बचाया। जो सड़कों पे लोग भूखे जा रहे थे उनको अन्न किसने दिया? किसान ने दिया। किसान ने जो उनकी मदद की, सरकार ने मदद नहीं की। आज भी किसान तैयार है, जब देश संकट में आता है किसान सबसे आगे उस संकट को निभाने के लिए तैयार रहता है। आपने सरकार की रैलियों की बात की, आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि बंगाल में तो आपके नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। बंगाल में राकेश टिकैत पहुंचे थे तो यहाँ नहीं बैठ रहे हम, वहाँ भी तो किसान है। वहाँ भी तो किसान रहते हैं, किसान पूरे देश में है, और किसान जब बुलाएगा जिस राज्य का तो टिकैत साहब को जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी किसान उन्हें याद कर रहे थे, वो पहुँचे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि काफ़ी समय बीत चुका है, 5 महीने हो चुके हैं, पहले तो वार्ताएं भी होती थी, किसान नेता जो थे और सरकार के जो नुमाइंदे हुआ करते थे आपस में बैठ के बातचीत भी करते थे, लेकिन अब जैसे कि कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना के इतने सारे मामले मिल रहे हैं, देश में अलार्मिंग सिचुएशन है, तो ऐसे में बातचीत भी नहीं हो रही है, तो आपको लगता है कि अब आपका हल निकलने की कोई गुंजाइश बची है? ये सरकार को देखना है, किसान सड़क पर आ गया है, किसान देश को बचाने के लिए आया है, देश की आम जनता की रोटी को ताले में बंद ना हो उसके लिए किसान सड़कों पे है, और किसान इस लड़ाई को तब तक लड़ता रहेगा जब तक ये हठधर्मिता सरकार पीछे नहीं हटेगी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा यहाँ पर, देखिए आरोप लग रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो करने में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है क्योंकि बॉर्डर जो है वो बंद कर रखे हैं, इस ये कितनी बात जो है सही है? बॉर्डर बिल्कुल खुले हैं शुरू से, एमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंस के लिए ये सप्लाई तो है ना, जो ना सरकार ने बाहर भेजी थी पहले। कौन साजिश रच रहा है, ये कौन साजिशन कर रहा? सरकार और किसान ना कोबरा से मरे आज तक और ना कोरोना से मरता, गांव में एक भी केस नहीं है, बच्चे फिरते हैं नंगे पैर, हमारी इम्यूनिटी इतनी तकड़ी है कुदरती तौर पर। शव किनके मिल रहे हैं? अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना है ही नहीं? कोरोना नहीं है, ये तो सरकार एमरजेंसी लाना चाहता है, मोदी एमरजेंसी लगा के हैं और इनको उठा दो, 400 किसान मरे सबके पोस्ट पता है, आपको पता है देश में कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित मिल रहे हैं, हजारों लोग रोजाना मर रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना है ही नहीं? इस देश में हर घंटे में 500 आदमी टीबी से मरता है, हर घंटे 12,000 हो गया दिन का, और जितने मरे हैं ना कोरोना से, या उनको शुगर थी या उनके गुर्दे वो थे खराब है सीधा, और तीसरी बात कोरोना तो उनका जो ये बैठे है ना मिनिस्टर जो इसी में रहा सारा दिन, इम्यूनिटी पावर खत्म, उनको वह करो ना। ठीक है, टीवी आपने टीवी का उदाहरण दिया कि टीवी से ही 5,000 इतने लोग मर जाते हैं, लेकिन जिनको टीवी होता है वो दवाइयां लेते हैं, मतलब वो लोग मानते हैं कि टीवी है, ऐसे में आप मास्क लगाकर बैठे हैं, मतलब आप लोग मानते हैं कि कोरोना है? मास्क तो हम भी जब लगाते हैं जब खेतों में काम करते हैं, करता जाता अंदर, हम तो शुरू से लगाते हैं, ये डांटे बांधते हैं शुरू से हमारे बुजुर्ग जब खेत में काम करते थे। अपना अन्न काट रहा है, मशीन चल रही है, गर्द उड़ रही है, किसान ने डाटा लगा रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, कि यहाँ से आपको खाली करना पड़ेगा, तब क्या करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम कोई कहना नहीं मानेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट कहे या सरकार, सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मानेंगे तो फिर किसका कहना मानेंगे? संवैधानिक जो पूरा ढांचा है वो
ढह जाएगा इससे। देखिए जो सरकार, देखिए ढांचा सुप्रीम कोर्ट भी, हम तो समझते हैं सरकार के ही उसमें है, काबू में, जो सरकार चाहती है वही सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि यहाँ पर किसान 5 महीने से बैठा है तो वो सरकार को कहे भाई क्यों बैठा है, सरकार को वो ये आदेश करे कि जो किसानों की जायज मांग है, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि किसान अपनी जायज मांग को लेकर बैठा है, तो उसे उन सरकार से कहे माने उस बात को। वो एक बात को बुरा मत मानिएगा, समझिएगा, लोग ये कहते हैं कि 5 महीने से अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो 5 महीने से कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं बैठ सकता जो किसान होगा, गरीब किसान जो होगा, तो ऐसे में आप लोग अगर बैठे हैं तो आजीविका कैसे चला रहे हैं, 5 महीने से कैसे इंतजाम कर पा रहे हैं? देखिए घर पर हम लोग संयुक्त परिवार में रहता किसान, तो एक भाई यहाँ पर है तो पिताजी वहाँ पर हैं, या हमारी बहनें हैं, हमारी घरवालियाँ हैं, सबके सब परिवार वहाँ पर कर रहा खेती, कुछ मजदूर लगा लेते हैं तो खेती भी चल रही है, यहाँ भी काम चल रहा है, खेती भी चल रही है, यहाँ भी काम चल रहा है। ये जानना चाहूंगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो आपके समर्थन में आ गए, तो आपको नहीं लगता कि आंदोलन जो है पूरा विपक्ष की शक्ल ले चुका है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और सरकार जबरदस्ती उन कानूनों को थोप रही है। अभी लड़ाई में किसान कोई ये नहीं होता कि राहुल गांधी है, फलाना गांधी है, डिगड़ा गांधी है। किसान, खेती करने वाला हर पार्टी के अंदर किसान है, उसका नाम किसान कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, देखिए देश में अलार्मिंग सिचुएशन है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सिस्टम फेलियर भी नजर आ रहा है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि हमारे पुलिस के जवान जो है वो भी आपकी यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं उनको बनाने के लिए यहाँ पर लगे हैं, जबकि इनको इस समय कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें होना चाहिए था? तो ये व्यवस्थाओं में कहीं नहीं आपको लगता कि सिस्टम में कहीं ना कहीं सेंधमारी होती? नहीं, जो सरकार है वो कोरोना के नाम पर जो मजदूर हैं बेचारे, जिनको 8-7 हज़ार रुपए की सैलरी मिलती थी, तो उनको भी जो फैक्ट्रियाँ बंद करने के नाम पर जो घर भेज देंगे, वे बेचारे रोटी से भी मोहताज रहेंगे, सड़कों पे जो ऐसी भूखे हुए प्यासे मरते रहेंगे, तो यूँ कैसे हुआ कि जो सरकारी नौकरियाँ वो तो आप दे ही नहीं रहे, जो प्राइवेट हैं वो भी बंद कर रहे हैं, और उनको जो सड़कों पर ला के जो गरीब हो और ज़्यादा गरीब होगा, और जो पूंजीपति है वो 10 का माल 20 में बेचने के लिए आप जो मौका देंगे उसको, तो इस तरीके की कैसी आपकी व्यवस्था है? और रही अपनी जो सुरक्षा, आप निजी कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं, निजी कंपनियों में आप किसका नाम लेना चाहते हैं? नहीं, वो भी तो सरकार के ही इशारों पे चलती है सारी, सरकार उनको 17,15,000 करोड़ तक के जो सहयोग करती है पुनर्वास के रूप में जो उनको देती है। जी जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, बताइए। कहना चाह रहा था कि जैसे आप कह रहे हो कि आप यहाँ बैठे हो, पुलिस वाले आपके साथ हैं, उन्होंने कोरोना युद्ध में रहना चाहिए। देखिए वो बेचारे नौकरी करते हैं, उन्होंने तो जैसा आदेश हो फॉलो करना पड़ेगा। हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम किसान नहीं बैठे हुए, हमारे को रोका गया है। आगे देखिए, हम आगे जा रहे थे, हम दिल्ली में जाना चाहते थे, वहाँ जाकर अपने मतलब प्रदर्शन या बातचीत करना चाहते थे सरकार से, उन्होंने आगे बॉर्डर पर रोक करके हमें यहाँ पर बैठाया गया है। ये गलती सरकार की है, और हम कोरोना का कोई विरोध नहीं करते भाई, चलो कोरोना है बीमारी है, बीमारी से हटना चाहता है, और हर तरह के ये किसान मतलब इतने अच्छे आदमी हैं ये लोग कि इनको एक आदमी ये कह देते कि भाई ऐसे करना ऐसे करेंगे। यदि सरकार आज इन कानूनों के बारे में किसान के साथ बात करके इनको कैंसिल कर देती है, ख़त्म कर देती है, तो किसान एक मिनट भी इस बॉर्डर पर बैठने वाला नहीं, ये रास्ते सारे खुल होंगे, अपने कोरोना की लड़ाई ये सरकार खुद लड़। जब बीते 5 महीने में हल नहीं मिला, तो आपको लगता है कि कोरोना के समय जब पूरा तंत्र ही कहीं और व्यस्त है, तो आपको लगता है कि अब हल मिलेगा? नहीं, हल तो पहले भी थे, अब भी हैं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, हल है हर चीज़ के, परंतु सरकार ने किसानों को जानबूझ कर परेशान कर रखा है 5 महीने से। बात कर लो, एक टेलीफोन आ रहा है, हमारे सब पे फोन है, वहाँ मंत्रालय में फोन है, हमारी पूरी टीम बनी है, अभी आप नहीं जाएंगे तो आप जाएंगे, तो सरकार ना समस्या का समाधान, हमारी समस्या का समाधान करने के लिए बनी हुई है ना, सबकी समस्या का समाधान करने की जी अवस्था फैलाने का कोई जिम्मा ले रखा गया हर जगह। अब ये किसानों का कसूर बता रहे हैं, किसानों का क्या कसूर, हमें पीछे काम करना पड़ रहा है, हमें मजदूरी दे के, डेवलप मजदूरी दे के इधर आ रहे हैं, फिर कहते हैं यहाँ किसान कम है। बिल्कुल, देखिए स्थिति ये भी है, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए किसान ने चो नहीं है यहाँ बैठने का, सरकार ने रोक के 27 नवंबर से, और नहीं तो रैली करनी जाएगा अपनी वहाँ प्रदर्शन करना 2 दिन का, उसके बाद अपने घर लौट जाते। सरकार ने कितने हरियाणा में बैरीगेट लगाए, बैरीगेट तोड़वाया, सड़क बंद करवाई, इसके बाद जो आप कह रहे ना सरकार कांग्रेस है या फलाना कोई सी भी है, जितनी भी मेरा भाई है चाहे कोई भी है, सारे पार्टी से जुड़े हैं कोई सी ना कोई सी, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, यानी कि वोट दिए बीजेपी तभी तो बनी है, आज बीजेपी सेंटर में बैठी है, उसमें देखना चाहिए किसान सड़क मरण लग रहे मरे बुजुर्ग,
इनका बुजुर्ग का काम थोड़ी है यहाँ बैठने का, ना मेरा काम है, मेरे पास अपना काम है, सारे देश ने पेट भरना काम पैदा करगा। देखिए एक चीज बताइए, आप में से कई लोग भी होंगे जो बीजेपी के समर्थन में भी रहे होंगे पीछे इससे पहले, तो ऐसे में ये बताइए कि आम आदमी के जरिए ये जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसी क्या लड़ाई है बीजेपी की और किसानों की कि बीजेपी बात क्यों नहीं मान रही, जब वो एक रात में डिमोनेटाइजेशन कर सकती है, एक रात में जीएसटी ला सकती है, बड़े बड़े फैसले चुटकियों में करे जा सकते हैं, तो इस कानून को वापस लेने में क्या परेशानी आ रही है? आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लड़ाई किसानों की बीजेपी से नहीं है, लड़ाई सरकार से है। सरकार की बात कर रहा हूँ कि सरकार बात को क्यों नहीं समझ पा रही आप? जो बिल लाई है उनमें हम काले कानून जो लाई है, किसान उसके खिलाफ है, क्यों ना आप खत्म करें, हमें जरूरत नहीं है उसकी। अभी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कानून जो हमने बनाया है उसमें हमने छूट दी है कि देश का किसान कहीं भी अपना अन्न बेच ले, कहीं भी ले जाए माल को। उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा के बॉर्डर पर जाता है, वहाँ पुलिस रोक कर उसे खड़ी कर देती है और हरियाणा में नहीं बेच सकता, हरियाणा का किसान यूपी में नहीं आ सकता, कहाँ की सरकार है? जैसे कह रहे थे ना आप, भाई सत्ता में लाने के लिए आप कितने आदमी उसके अंदर थे? देखिए उस टाइम हम कांग्रेस से दुखी थे और हमने सारी की सारी जितने किसान हैं ना 90% किसानों ने वोट बीजेपी को दिया था और उसको बनाया था। हमें क्या पता था कि हमारा पूत मतलब इतना ख़राब निकलेगा कि वो हमारे पे लाठी पेल देगा। तो ये जो कानून जो इन्होंने ऐसी हमारे को घेरा है चारों का नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं जो ये कानून बनाए गए हैं ये हमारे विरोध में है, इससे हमारी मंडीकरण ख़त्म हो जाएगा, इससे हमारा मतलब जो हम व्यवस्था है पंजाब और हरियाणा में केवल मात्र 6% MSP मिल रहा। हमारी डिमांड है इस सरकार से कि ये पूरे देश के अंदर MSP और मंडी बनाए सारे देश में और सारी जगह से मतलब किसान की बिक्री हो ताकि हमारा बॉर्डर भी छूट जाए, हम इधर से उधर जाते हैं तो ये रोक लेते हैं। अच्छा आपके अभी नेता राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है आगे की रणनीति को लेकर? देखिए उनका क्या कहना है, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई ये तीनों कानून वापस हो जाएंगे तो हम अपने घर को चले जाएंगे, वो कोई हमारी लड़ाई तो नहीं है ना, हम ये कह रहे हैं कि वो आगे जाएंगे। पूरा मसला जो है वो दरअसल तीन कृषि कानूनों पर अड़ा हुआ है, किसान भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं हो जाते वो तब तक वापस नहीं जाएंगे, ये आज से नहीं पहले दिन से बीते 5 महीनों से यही बात कही जा रही है। जी एक और चीज़ जुड़ी है कि MSP पर भी हमारा कानून बने, तीनों कानून तो वापस हों, MSP पे भी कानून बने तभी हम लोग वापस जाएंगे, क्योंकि हमारी फसलें जो सरकार जो मूल्य हमें दे रही है, जो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान को देती है वो तो किसान को मिलना चाहिए, हर किसान को मिलना चाहिए, होता क्या है वहाँ 4-5% किसानों को मिलता है जो सरकार अपना जो हमें भाव घोषित करती है। जैसे गेहूं का आज हमें 1975 रुपए किया है, कितने किसानों का गेहूं बिक रहा 1975 में? लेवी सेंटर नहीं चालू है, कहीं है तो वारदाना नहीं है, कहीं है तो कुछ, हर जगह इतनी झंझटें हैं, गेहूं के रेट आज 1700-1800 रुपए है, क्यों नहीं बिक रहा वो 1600-1700 रुपए? तो सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं? अभी तो हम आंदोलन कर रहे हैं तब ये हाल है, और जब आंदोलन नहीं होगा तो क्या आप सरकार खरीद लेगी इन रेटों पर? क्यों हम ये चाह रहे हैं कि चाहे प्राइवेट आदमी खरीदे, ये 1700 प्राइवेट ही तो खरीद रहे हैं, तो वो उसी रेट पर खरीदे जो इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर। बिल्कुल एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ पर ऐसा लगता है आपको कि कोरोना का नाम लेकर सरकार कहीं आदेश निकाल दे रातों रात कि आपको खाली करना पड़ेगा और अपने जो उनके अंदर पुलिस आती है उसका इस्तेमाल करके इस आंदोलन को कहीं खाली कराने की रणनीति बना ली जाए सरकार की ओर से? ऐसे है, पुलिस वाले तो सरकार के कर्मचारी हैं, इन्होंने हैं तो किसानों के बच्चे हैं, लेकिन इन सरकार को हुक्म मानना पड़ा, ये दिल से थोड़ा काम कर रहे हैं, किसानों के बच्चे सरहद पर, किसानों के बच्चे पुलिस में, किसानों के बच्चे। और एक बात देखो आप, जो ये रोटी खावा नहीं, हर आदमी रोटी खावा, इसको कौन उगा रहा है? किसान उगा रहा है। अगर रोटी नहीं मिलेगी नहीं 2 दिन 3 दिन तराई तराई मच जाएगी सारे देश के अंदर। किसान एक ऐसी चीज़ है जिससे मतलब कितनी दुख दिया मैं दिन रात, अपने बच्चों ने भी छोड़ कर सारा परिवार, छोटे छोटे बच्चे स्कूल वाले भी वो किसान की खेती में लगे रहे हैं, अजीब अन्न पैदा करें। मोदी ने इन ने दूसरे ने पता राजनाथ ने किसना गेहूँ पैदा करी जाए, किसना चावल पैदा कर जाए, इतने तीन काले कानून वापिस नहीं होते नहीं, ये किसान है नहीं जिस टाइम ये बड़े बड़े अपने लीडर कम है, इनकी लाश जाओगी वापस खाली नहीं करेंगे ये, तो लाश जाएगी खाली नहीं करेंगे। एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जब मैं यहाँ पहले आता था तो संख्या थोड़ी ज़्यादा दिखती थी, अब कम दिख रही है, गेहूँ काटने के लिए शायद किसान गए हुए हैं गाँव। देखिए आज
पूरे देश के अंदर सीजन चला हुआ है हमारा गेहूँ का, गन्ने का और बिजाई का। तो इसलिए हमारे जो लोग थे, हम यहाँ बैठे तो हैं ही हैं, कुछ लोग हमारे मतलब पीछे काम करने के लिए गए हुए हैं, साथ काम करने के बाद फिर वहाँ यहाँ लौटने लगे। हरियाणा का पूरा किसान अभी गेहूँ के कटाई में था और उनका पूरा काम हो चुका है, और उनका सारा का मुँह पंजाब और हरियाणा का मुँह फिर बॉर्डरों की तरफ हो चुका है। हम तो चाहते हैं कि हमारे को तंग क्यों किया जा रहा है सरकार द्वारा, हमारी इन बातों पे क्या एक्शन क्यों नहीं ले रही है। जब ये बड़े बड़े एक्शन ले लेते हैं, एक रात में ही कानून बदल देते हैं, ले लेते हैं, तो किसानों के साथ ये सरकार बहस क्यों करना चाहती है क्या? सरकार लगातार एक बात कह रही है कि इसमें इन कानूनों में आपका हित छिपा हुआ है, तो उनको कौन सा हित जो है वो नज़र आ रहा है, आपको वो हित नज़र नहीं आ रहा? उन कानूनों में एक हित छिपा हुआ आ रहा है कि जो हमारे मेन अडानी अंबानी इनके लिए है ना, अमीर उनके लिए, ये सारे देश की अर्थव्यवस्था को उन किसानों उन व्यापारियों के हाथों में देने पर कॉरपोरेट घरानों के हाथों में देना चाहती है, ताकि वो इनको पूंजी देते रहे, इनके मतलब ये राजनीति चलती रहे और इलेक्शन में वो पूरा पैसा लगाते रहें और ये काम करते रहें। आंदोलन पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा? आंदोलन तो लगातार जारी रहेगा, या मारो या पीटो कुछ भी करें, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं आपको, हम ना मारेंगे और ना हटेंगे, ना भागेंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे, इन्हीं धरनों में बैठे रहेंगे। बेशक ये कुछ भी जो भी करना चाहे कर लें, लेकिन किसान इतना है कि आप मारेगा नहीं, दूसरों से ना हटेगा ना मारेगा। तो यहाँ पर मौजूद कुछ किसान नेताओं की माने तो कोरोना है ही नहीं, और कोरोना अगर है भी तो भी वो इस जगह को खाली करने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में समझ नहीं आता ये किस तरह की हठधर्मी है, समझ में नहीं आता कि ये कैसे अन्नदाता। इन चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर कोरोना क्लब बन चुका है। इस जगह पर कोई भी लॉजिकल बात करना फिलहाल समझ से परे हो जाती है, क्योंकि कोई भी उस तरीके की बात करना ही नहीं चाहता। आंदोलन की भी अपनी सीमाएं होती हैं, आंदोलन की भी अपनी लिमिट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर हर लिमिट को ताक पर रखकर, हर चीज़ को ताक पर रखकर जिस तरीके से आंदोलन जारी किया जा रहा है, बीते 5 महीनों से दिल्ली के तमाम लोगों को और उत्तर प्रदेश के जो सटे हुए, गाज़ियाबाद जो सटा हुआ है, जो नोएडा सटा हुआ है, वहाँ के तमाम लोगों को आने जाने में जिस तरीके की परेशानियाँ दी गई हैं, जिस तरीके से बंधक बनाया गया, उसको देखकर तो यही लगता है कि कोरोना के इस काल में एक बार फिर एक नई जमात ने पैर रख दिया है, और एक बार फिर एक नई जमात यहाँ पर कोरोना विस्फोट करने के मूड में है। लेकिन ऐसे में इस चीज़ को भी समझना होगा कि प्रशासन जो है वो किस तरीके की तैयारियाँ कर रहा है, क्योंकि अगर एक आम आदमी को लाठी पड़ती है तो यहाँ पर क्या कुछ है। इन सब चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे भी ज़रूर, लेकिन कल फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।